रोहन जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट कैसा, क्या चार्ट कैसा दिख रहा है? यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट मैकडॉवल क्या करंट लेवल की खरीदारी करी जा सकती है? मैकडॉवल, हाँ मैकडॉवल, एक सेकेंड, हाँ मैकडॉवल के नाम से। जी देखिए इसमें भी एक अप ट्रेंड आके ना, अभी फिलहाल ये थोड़ा साइडवेज में स्टॉक है। तो अगर वैसे तो बेरिश ही है, लेकिन ऐसा कोई बुलिश साइन नहीं है, लेकिन अगर मान लो किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया रहेगा इस स्टॉक में, तो ही आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगेन सेम कंडीशन हो रहा है कि सारे स्टॉक्स में क्या हो रहा है कि करेक्शन मोड में है, और ये करेक्शन में नहीं है, ये साइडवेज में है। तो वो भी ध्यान में रखना है कि आपको इसमें ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। करंट लेवल पे आपके पैसे फंस सकते, कम रिटर्न्स मिल सकते, ज्यादा रिटर्न्स, क्योंकि और ये साइडवेज, ये ज्यादा गिरेगा भी नहीं और ये ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। तो वो चीज के ऊपर ध्यान रख के आपको इसमें रखना है, वरना ऐसा ना हो जाए कि इन्वेस्ट करे और आपके पैसे उसमें फंसे रहे। तो ये है, क्योंकि साइडवेज में स्टॉक है और साइडवेज इसका कंटिन्यू ही रहेगा, मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, एक रेंज में ही चलेगा। तो आपके इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगा फिलहाल इस स्टॉक में, तो उस हिसाब से अवॉइड करना बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर किसी का, जैसे मैंने कहा, कि थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रहेगा, तो वो एक पार्ट यानी कि 10% 15% अपने कैपिटल का कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं। शॉर्ट टर्म में आपको इसमें रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये राय है मैकडॉवेल्स पे, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे।